शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य करना और छात्रों को बेहतर भविष्य शिक्षा के माध्यम से देना, जिससे वो अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सकें, ये काम लगातार दिल्ली सरकार कर रही है और जिसका दावा भी दिल्ली सरकार हर बार करती आई है। स्कूलों में क्या कुछ शिक्षा को लेकर चीज़ें हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ पर हैं, इनसे जानने की कोशिश कर लेना चाहेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम सुमित। कहाँ पढ़ते हो? गवर्नमेंट बॉयज सरकारी बाल विद्यालय में। हाँ, सरकारी। किस क्लास में हो? टेंथ में। मैं टेंथ में हूँ। पढ़ाई कैसी होती है स्कूल में? मतलब सही होती है, जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल है उससे तो थोड़ी बेहतर ही होती है। प्राइवेट की तुलना में अच्छी होती है? हाँ, ये तो होती है। जब बात कर रहे हो तुम, अब क्या ही कह सकते हैं। किस तरीके से टीचर कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं स्कूल में? स्कूल में सुविधाएं थोड़ी बहुत तो सही है, लेकिन जैसे पानी वानी खराब आता है पीने के लिए, और पढ़ाई की तो कह सकते हैं कि सही हो रही है, सारे टीचर्स सही पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। परिवर्तन हुआ है या नहीं? परिवर्तन की तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं पहले से तो पढ़ने में था, अभी नहीं। तो पहले किस स्कूल में थे? पहले मैं प्राइवेट में पढ़ता था। तो प्राइवेट छोड़ के सरकारी में क्यों? अब कोरोना के बाद तो आगे, इसलिए। अच्छा, तो तुम्हारा प्राइवेट स्कूल अच्छा था कि ये सरकारी? प्राइवेट से तो सही है, सरकारी थोड़ा बहुत। अगर कंपेयर करें तो प्राइवेट से क्या बेहतर है सरकारी? पढ़ाई सही होती है और बाकी ज़्यादातर तो पढ़ाई और जो सुविधाएं हैं, बेंच वेंच वो सब सही है अब की बार पहले की तुलना से, क्योंकि पहले जो बेंचें थी वो बेकार थी, इस बार तो बेंच वेंच सब सही है। प्राइवेट से तो बढ़िया ही है स्कूल। बढ़िया है मतलब खुश हो? हाँ, प्राइवेट से सरकारी में आके कोई गिल्ट नहीं है बल्कि खुश हो? हाँ खुश हैं। और क्या ही कहते हैं। क्या नाम है? टेंथ, गुलाम अंसारी नाम है। गुलाम अंसारी, पढ़ाई कैसी है स्कूल में, किस स्कूल में हो? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पढ़ाई कैसी होती है स्कूल? पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छी कि बहुत अच्छी? बहुत अच्छी है। क्या क्या सुविधाएं होती हैं? सुविधाएं भी सारी सही है। हाँ। अभी तक के हिसाब से लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस है, मतलब सारी फैसिलिटीज है। कभी सोचा था कि सरकारी स्कूल में ये चीज़ें होंगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा? नहीं, मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ यूपी के सरकारी स्कूल में। अच्छा, यूपी में रहते थे तुम? कहाँ पर? यूपी में सेक्टर 63 में। अच्छा अच्छा, तो वहाँ के स्कूल कैसे? वहाँ के स्कूल मतलब इससे ज़्यादा डेवलप नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ब्रांच थे, लेकिन ब्रांच में वो रखा था कि गर्ल्स के शिफ्ट में 2 महीने गर्ल्स ब्रांच पे बैठेगी, 2 महीने बॉयज बैठेंगे और बाकी 2 महीने नीचे जमीन में। हाँ। और यहाँ पर? यहाँ पर हमेशा बैठते हैं, ब्रांच पे ही बैठते हैं। क्लासेस भी अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं, एजुकेटेड, पूरी पढ़ाई अच्छे से होती है। शिक्षा क्रांति के जनक कहे जाते हैं मनीष सिसोदिया दिल्ली में, उनके लिए कुछ कहना है? उनके लिए तो कुछ नहीं, उनके लिए तो सही है। सही है, बढ़िया है। चलो, बच्चा किस क्लास में? क्लास 10th जी। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है? अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी में? ये हर चीज़ का, टीचर से लेके बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मेरे को लगती थी कि मेरे को ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छा है। पहले किस स्कूल में थे? पहले मैं पढ़ता था प्राइवेट एसएस पब्लिक स्कूल खोड़ा कॉलोनी। अच्छा, तो प्राइवेट का खोड़ा कॉलोनी का स्कूल छोड़ के सरकारी में क्यों आए? जी कुछ लॉकडाउन के बाद से कुछ फाइनेंशियल कुछ इसी की वजह से भी, और बाकी मैंने सुना भी था कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स का ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है कुछ सालों से, इसलिए मेरे भाई भी करके निकले थे और उनका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस गया था, तो उसके लिए मैं भी आया। मन में कुछ गिल्ट तो नहीं होती कि प्राइवेट छोड़ के सरकारी में आए, पढ़ाई अच्छी नहीं होती? ना ना, कोई ऐसा नहीं है, और मेरे को खुशी होती है कि मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ कहना है शिक्षा क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं उनके लिए? शिक्षा क्रांति के जनक को सही कहा जाता है, जिस तरीके से उन्होंने सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को अच्छा किया है, मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ और यही कहता हूँ कि आगे भी वो लोग ऐसे ही करते रहे। जी, ये कह रहा है आगे भी ऐसे ही करते रहे। ये बच्चियाँ यहाँ पर हैं, इनसे बात करने की कोशिश। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किस क्लास में हो? 8th। 8th क्लास में हो। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पढ़ाई कैसी है? बहुत अच्छी है। किस तरीके की बहुत अच्छी? इधर देख के बोलो, कैसी बहुत अच्छी है? क्या अच्छा पढ़ाया जाता है? सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। नाम क्या है? माही। किस क्लास में हो? 8th। 8th में। किस स्कूल में पढ़ती हो? गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। कैसी बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी होती है, टीचर समझाती है अच्छे से। अच्छे से। क्या क्या चीज़ें अच्छी है सरकारी स्कूल में? बहुत चीज़ अच्छी है, उन्हें मिड डे मील मिलता है, हर चीज़ मिलता है, मतलब सपोर्ट्स करती हैं टीचर्स भी। पहले अच्छा था स्कूल या अब अच्छा हो गया? मैम
मैम मैं अभी आई हूँ। पहले कहाँ थी? पहले मैं प्राइवेट स्कूल में थी। तो प्राइवेट क्यों छोड़ा? प्राइवेट ऐसे ही छोड़ा क्योंकि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी। कौन सा था प्राइवेट स्कूल? मैम ये याद नहीं है। चलो, तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी वहाँ? मैम होती थी, मगर है ना वहाँ पे ऐसे बच्चों को ध्यान नहीं देते थे ना इसलिए। और यहाँ पर? यहाँ पे अच्छी होती है। अच्छी होती है। नाम क्या है? अंजलि सिंह। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छी होती है। क्या क्या चीज़ें बेहतर है? हमारे स्कूल में सारी सुविधाएं बेहतर है, और फिर हमें मिड डे मील भी दिया जाता है। टीचर्स अच्छे से समझाती हैं हर चीज़ को, फिर हमें हमारे काम को अच्छे से करने के लिए हमें जो है प्रेरित करती हैं कि इस काम को अच्छे से करो, और बच्चों को एक्टिविटीज़ भी करवाती हैं टाइम टाइम पे। शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया कहे जाते हैं, उनके लिए क्या कहोगी? क्योंकि जो अच्छाई बता रही हो वो उन्हीं ने कराई है। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इससे जो है बहुत से बच्चों को जो है पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे बहुत जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं वो पढ़ रहे हैं। क्या नाम है? ऋतिक कुमार पांडे। ऋतिक किस क्लास में हो? मैम मैं 12th में। 12th में हो। किस स्कूल में? मैम ये न्यू कॉन्डी वाला स्कूल है ना हमारा। अच्छा, उसी में हो। हाँ। सरकारी है? हाँ जी मैम। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत बढ़िया मैम, पहले से काफ़ी बढ़िया होती है। हमारे सारे टीचर्स अच्छे टाइम पे सही टाइम पे आते हैं, सही क्लास लेते हैं, बच्चों को जो जो चीज़ें दिक्कतें होती हैं वो सारी क्लियर करते हैं ऑन टाइम। सुविधा क्या क्या है? मैम टॉयलेट बाथरूम जो भी है सब बढ़िया है, और पंखे उनके और बेंचेस भी बहुत बढ़िया हैं वहाँ पे। मतलब बाकी जैसे मैंने और भी प्राइवेट स्कूल्स देखे उनके हिसाब से बहुत बढ़िया बेंचेस हैं और भी चीज़ें। किसने किया ये सब? मनीष सिसोदिया जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। कुछ कहना उनके लिए? धन्यवाद उनको जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। और भी करते रहें, बाकी जो और भी बच्चे आ रहे हैं उनके लिए करते रहें ये चीज़ें। कभी सोचा था कि सरकारी स्कूलों में भी ये सुविधा होगी? नहीं मैम, मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि आज के टाइम पे अगर इतना मिल रहा है मैं तुम्हारे सरकारी स्कूलों में तो बहुत है तुम्हारे लिए। कभी पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा था? नहीं। और तुमने? मैंने तो बिल्कुल नहीं। बनना क्या है 12th के बाद? 12th के बाद मैम मैंने एज अ टीचर ही सोचा है, मतलब टीचिंग के लिए जाऊंगा। साइंस साइड से हूँ तो मैथ्स टीचर के लिए सोचा है मैंने। मैथ्स की टीचर बनोगे? हाँ जी मैम। प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम मेरे टीचर से ही, मेरे एक हाँ मेरे टीचर हैं स्कूल में हमारे संजय अग्रवाल सर। हाँ। उनसे हमें मेरे को प्रेरणा मिली है। नाम क्या है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आपके बच्चे इसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। किस क्लास में? 9th में। 9th में। कैसा है ये सरकारी स्कूल, बच्चे कैसा बताते हैं? बढ़िया स्कूल है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। कितने साल से हैं बच्चे? मेरा बच्चा तो 4 साल से। 4 साल से। कभी कोई ऐसी चीज है कि नहीं सरकारी स्कूल है प्राइवेट में डालना चाहिए? नहीं, प्राइवेट से बढ़िया स्कूल है। हाँ? हाँ। क्या 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 अगर कंपेयर करें प्राइवेट और सरकारी का तो बच्चा क्या बताता है? बच्चा कहता है कि जो यहाँ के जो टीचर है ना बहुत बढ़िया ही पढ़ाते हैं। हाँ। जो मतलब बच्चे का जो जैसे पढ़ाना लिखाना एक अलग चीज़ होती है और समझाना एक अलग चीज़ होती है। हाँ। तो तरीके समझाते हैं तरीके से, और फीस भी नहीं लगती। हाँ, फीस भी नहीं लगती। फीस भी नहीं लगती। भैया नाम क्या है? मेरा प्रदीप कुमार नाम है जी। प्रदीप जी, आप ये ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। हाँ जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, एक लड़की दो लड़के। एक लड़की दो लड़के, कहाँ पढ़ते हैं? दोनों इसी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में। हाँ जी। हाँ जी। स्कूल कैसा है? बढ़िया स्कूल है जी। क्या बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई सही है, अच्छी होती है। हाँ जी। फीस कितनी है? फीस नहीं है जी इसमें। फीस नहीं है। किस क्लास में बच्चे हैं? एक 7वीं में, एक 8वीं में जी। अच्छा, दो क्लास में हैं। बच्चे क्या बताते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं? पढ़ाते तो सही हैं, पर क्या है इसमें बच्चों को लेने और लाने के लिए ही माँ बाप को आना चाहिए। बस लाना ले जाना माँ बाप का, माँ बाप। शिक्षा सुविधाएं स्कूल में कैसी? बढ़िया है। अच्छा, क्या मतलब सरकार ने स्कूल अच्छे बनाए या नहीं? अच्छे बनाए स्कूल, अच्छे बनाए। ये बिटिया आपकी? हाँ जी। बेटी ये जाती है 1ली क्लास में, उधर पढ़ती है सरकारी में। सरकारी में। ये प्राइवेट में? नहीं नहीं, सरकारी में। तो इसके स्कूल में पढ़ाई कैसी है? इसके स्कूल में बढ़िया है जी। बढ़िया है पढ़ाई? बढ़िया है। ये सरकारी स्कूल के लिए क्या कहेंगे आप? सरकारी स्कूल तो इतने अच्छे कर दिए हैं ना। हाँ। कि हम अभी फिलहाल में पढ़ा रही हूँ बेसिक प्राइवेट में, लेकिन मैं आगे चल के सरकारी में डालूंगी बच्चे को अपने। अच्छा। दोनों बच्चों को। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने इतना अच्छा कर दिया है ना, सब बहुत अच्छा कर दिया है स्कूलों में। हाँ। अच्छी पढ़ाई, सब कुछ सुविधा कर दी है बच्चों के लिए। हाँ। जब हम बच्चों को, हमारे बच्चों को सब कुछ फ्री मिलेगा तो हम क्यों प्राइवेट में पढ़ाएंगे? क्या परिवर्तन किया है? जो सुविधाएं होती हैं बेसिक सुविधाएं सब। कभी सोचा था आपने कि सरकारी स्कूल ऐसे हो जाएंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सब केजरीवाल जी की वजह से हुआ है, लेकिन मुझे तो बहुत दुख है जो भी इस बार वो इस पद से हट गए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ दोबारा से इस पद पर आए। लेकिन लाना और करना तो आप लोगों के हाथ में? हाँ, हमारे हाथ में है, लेकिन क्या करें, अब पब्लिक है, कोई देता है कोई नहीं देता। तो क्या क्या सुविधाएं की है दिल्ली वो केजरीवाल जी? अच्छे डेस्क बैठने के लिए सुविधाएं हैं, पानी की अच्छी सुविधाएं, और मेन तो ये है कि वो अच्छे टीचर हैं।
तो अब आप भी अपने बच्चे को सरकारी में डाल देंगे? बिल्कुल सरकारी में डालूंगी। सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं मैम, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं। और मनीष सिसोदिया जी ने इतना सारा परिवर्तन किया है, जो स्कूल में इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाने आते हैं, हिंदी के टीचर, इंग्लिश के टीचर, साइंस के टीचर, एसएसटी के टीचर, हर एक टीचर कहते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाता है, हर चीज़ को एकदम बारीकी से बताता है। तो मनीष सिसोदिया जी से कहते मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि आगे के लिए भी ऐसे ही कहते चल। मिले हो मनीष सिसोदिया? नहीं मिलना है जी। हाँ मिलोगे तो क्या कहोगे? मैं उनसे थैंक यू बोलूँगा और उनसे बोलूँगा कि ऐसे टीचर और मिले, ऐसे सरकारी स्कूलों को है ना बदनाम जो हो रहे थे उनकी जगह अच्छे स्कूल बन गए हैं। अब जो जो स्कूल बदनाम कर रखे हैं बच्चों ने तो वो कर ही रखे हैं, वैसे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ प्राइवेट और सरकारी स्कूल की तुलना करें तो क्या कहो? प्राइवेट बहुत ही मतलब सरकारी सरकारी बहुत ही अच्छा है, प्राइवेट से सौ गुना अच्छा है सरकारी। सही में प्राइवेट में बस पैसे लूटते हैं, यहाँ फ्री में भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं। अब प्राइवेट जैसी पढ़ाई होने लगी है। यस मैम, सरकारी और प्राइवेट स्कूल में अब कौन बेहतर? नहीं सरकारी, सरकारी जिंदाबाद, सरकारी सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल अच्छे हैं। चलो एक बार में सरकारी स्कूल के लिए सब बोलो। चलो कैसे हैं सरकारी स्कूल जिंदाबाद? सरकारी स्कूल कैसी होती है? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया होती है। शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया, उनके लिए एक साथ बोलो, क्या बोलोगे? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपसे मिलने का मौका मिलेगा तो आपको बार बार थैंक यू कहेंगे की आपने हमें ऐसा स्कूल दिया। मनीष सिसोदिया जी से मिलना चाहते हो? जी मिलना चाहते हैं। तो ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो मनीष सिसोदिया को थैंक यू कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल दी, जो बदनाम किए गए थे स्कूल वो बेहतर हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल से अच्छे सरकारी स्कूल हो चुके हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मिड डे मील का खाना हो, या फिर वो तमाम सुविधाएँ जो हर एक बच्चा रिजर्व करता है अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए। फिलहाल दिल्ली के सरकारी स्कूल अब उन तमाम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर, और शायद यही वजह है कि लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी में आ रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं ठीक है, कोरोना काल के बाद मजबूरी में आए सरकारी स्कूल, लेकिन अब सरकारी स्कूल को ही सबसे बेहतर स्कूल बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।